नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई फ्रेश कमाल की वीडियो में। दोस्तों आप लोगों को तो पता ही है कि जब हमारे 1000 सब्सक्राइबर और 4000 अबर्स का जो वॉच टाइम हो जाता है कंप्लीट, तो हम अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भेज देते हैं। लेकिन दोस्तों आप में से कई सारे लोग जो है कॉमन सी मिस्टेक्स करते हैं, जिसके वजह से उनका यूट्यूब चैनल जो है मोनेटाइज नहीं हो पाता है। किसी का फर्स्ट जो स्टेप होता है वो एरर आ जाता है, तो किसी का सेकंड स्टेप, तो किसी का थर्ड स्टेप, तीनों स्टेप्स में से कुछ ना कुछ एरर आ जाता है और उनका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करने के लिए भेजा था, तो मेरा YouTube चैनल जो है वो 4 घंटे के अंदर अंदर मोनेटाइज हो गया था। अब दोस्तों YouTube पर केवल मेरा ही चैनल जो है 4 घंटे के अंदर अंदर मोनेटाइज हो गया था। जब मेरा YouTube चैनल मोनेटाइज हुआ था तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाकर रखी थी और सब लोगों को बताया था कि भाई देखो मेरा चैनल जो है वो इतनी जल्दी मोनेटाइज हो गया, मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा, मुझे लगा कि भाई 1-2 दिन लगेंगे। अरे भाई मेरा तो चैनल जो है 4 घंटे के अंदर अंदर मोनेटाइज हो गया था। अब दोस्तों अगर आप मेरे गए तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है सारी प्रोसेस अपनाओगे तो आपका भी जो चैनल है वो जल्द से जल्द मोनेटाइज हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको गूगल एडसेंस भी बनाना सिखाया है कि किस तरीके से आप गूगल एडसेंस को अटैच कर सकते हो और किस तरीके से जो है फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप बहुत आसानी से जो है कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर आप एक नए क्रिएटर हो तो इस वीडियो को बिल्कुल सेव करके रख लो, क्योंकि भविष्य में आपको भी इस वीडियो की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप भी अपना चैनल मोनेटाइज कराओगे। तो इस वीडियो में मैंने आपको बिल्कुल सिंपल वे में जो है मोनेटाइज करना सिखाया है कि आप अपने चैनल को किस तरीके से मोनेटाइज कर सकते हो। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना चैनल ओपन करना है और मोनेटाइजेशन वाला सेक्शन ओपन कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको 3 स्टेप दिखेंगे और सबसे पहले हमें जो है फर्स्ट स्टेप पर क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप पर हम यहाँ से जो है इसमें क्लिक कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ से आपका खुल गया है, यहाँ पर हम नीचे आएंगे और यहाँ पर देखिए आपको जो यहाँ पर देखिए एक्सेप्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर फिर आपको एक्सेप्ट टर्म पर क्लिक करना है और ठीक है अगली स्टेप यहाँ पर क्लिक हो गई है। अब देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, तो हम यहाँ पर वेट कर लेते हैं। हमारी देखिए फर्स्ट स्टेप जो है अब कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीका था, आपको कुछ नहीं करना था, इसको ओपन करना था और क्लिक करना था, ठीक है। अब हम सेकंड स्टेप पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से सेकंड स्टेप पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए प्रोसीड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ठीक है। प्रोसीड वाले हम जैसे ही ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे अगर पासवर्ड वगैरह मांगा जाए तो आप यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल के यहाँ पर जो है वेरीफाई कर लीजिएगा। आपके जीमेल पर एक कोड आएगा, उसको यहाँ पर पहले आपको एक कोड दिखाया जाएगा, ठीक है, 97, और फिर आपके जीमेल पर एक जो है कोड आएगा, ठीक है। वहाँ पर आपको 3 कोड दिए जाएंगे, वहाँ से आपको मैच करना है, ठीक है। यहाँ से हम इसमें जो है ओपन कर लेते हैं, जीमेल से हमें जो मैसेज आया है देखिए यहाँ से हमने ओपन कर लिया जीमेल। अब देखिए हमारा जीमेल ओपन हो रहा है, यहाँ पर आपको यस करना है इस सिक्योरिटी के लिए और फिर यहाँ पर आपको 97 पर क्लिक करना है, ठीक है। हमारा जो है सिक्योरिटी के लिए पूछा जाता है कि ये कहीं का कोई आपके चैनल को हैक ना कर ले, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसे क्लिक कर लिया। अब हमारा जो सेकंड रहेगा, अब यहाँ पर देखिए स्टेप खुलेगी कि आपके पास एडसेंस अकाउंट है या नहीं, ठीक है। तो हम इस पर यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके पास एडसेंस अकाउंट है तो आप यहाँ पर एडसेंस अकाउंट भर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। तो आपको अगर आपके पास नहीं है तो आप करना No, I don't have an exit account, ठीक है। इस पर क्लिक करके कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर अब आपको क्लिक करना है, ठीक है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर हम यहाँ से देखिए क्लिक कर लेते हैं और अगली स्टेप क्या होगी आपको बताते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लिया, देखिए क्लिक करने के बाद देखिए अब क्या खुलता है आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से अब आपको अपनी जो है जीमेल अकाउंट जो है ओपन करना है, यहाँ पर अपने जीमेल अकाउंट जो रहेगी उसको यहाँ पर लॉगिन करना है, ठीक है, जिससे आपका जो है चैनल है, ठीक है, उससे कर लीजिएगा या किसी अदर वाले से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपको जीमेल डालनी है वो यहाँ से आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं और डाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने अपना जीमेल डाल दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको जो अपना जो चैनल रहेगा उसका URL यहाँ पर दिख जाएगा, वेबसाइट URL दिखेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखिए बैक करते हैं, अब हम थोड़ा नीचे पर जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गेट मोर आउट ऑफ एडसेंस, अब आपको यहाँ पर एस पर करना है। अगर कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो आपको जो है मैसेज से आपको इन्फॉर्मेशन कर दी जाएगी, तो आप यहाँ पर एस पर क्लिक कीजिएगा। फिर हम नीचे आते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है सिलेक्ट कंट्री, तो यहाँ पर आपको कंट्री सिलेक्ट करना है, कोई भी अदर कंट्री मत सिलेक्ट कीजिएगा। आप इंडिया से हैं तो आप इंडिया ही सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। हम देखिए यहाँ से इंडिया ढूंढ लेते हैं और यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमें नीचे आना है, नीचे देखिए आप स्क्रॉल करिएगा, ठीक है। हमें यहाँ से देखिए नीचे आते हैं और यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा यस आई हैव रीड, ठीक है। इस पर आपको क्लिक करना है और क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ से हम इस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अगला पेज क्या खुलेगा और आपको बताते हैं, ठीक है। देखिए खुल रहा है हमारा,
अगला पेज इसको इस टाइप का खुलेगा। यहाँ पर हमें गैजेट स्टार्टर पर क्लिक करना है, ठीक है। गैजेट स्टार्ट कर लेना है, कर लेना यहाँ से आप आराम से, ठीक है, आराम से करना, बिल्कुल अच्छी अच्छी प्रोसेस है, कुछ नहीं करना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा कुछ इस तरह का खुलता है। फिर यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट टाइप लिखा है, यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आप इंडिविजुअल ही सेलेक्ट करिएगा, क्योंकि ठीक है कई कई लोग जो है वो बिजनेस को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए नेम दिखा रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको नेम दिखा रहा है, तो नेम आपको वही भरना है जो आपकी जो है उसमें है, ठीक है, जो आपके आईडी प्रूफ में है, जैसे आधार कार्ड हुआ, वोटर कार्ड हुआ, ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस में हुआ, वही आपको इसमें भरना है, ठीक है, नेम, क्योंकि आपसे आईडी प्रूफ मांगा जाएगा बाद में, ठीक है। यहाँ से हम अपना नाम भर लेते हैं, और देखिए यहाँ से हम अपना नाम भर लेते हैं। सबसे पहले नाम भरने के बाद यहाँ पर अपना एड्रेस लाइन भर लेना, फर्स्ट एड्रेस भर लेना और सेकेंड एड्रेस भी आप भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अपना एड्रेस वगैरह भर लेते हैं, फिर आपको बाद में बताते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको टाउन सेलेक्ट करना है, पिन कोड डालना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपको पिन कोड डाल लेना है, ठीक है। पिन कोड डालने के बाद यहाँ से आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। अब यहाँ से हम अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेते हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से। मैं जो मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, तो मैं यहाँ से मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको मोबाइल नंबर डालना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद देखिए आप क्या प्रोसेस होती है आगे। यहाँ पर देखिए आपको करना है रीडायरेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से हम रीडायरेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए रीडायरेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक हो गया। यहाँ से देखिए रीलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब आपको डरना नहीं है, आपको बैक करना है, सीधी बात है, आप यहाँ से बैक कर लीजिए। आपका जो चैनल था मोनेटाइज के लिए वो चालू हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चैनल दिखाया सेकंड चालू, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो चला जाएगा, और कुछ थोड़ा सा समय लगेगा, एक दो दिन भी लग सकते हैं या कई दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। अपने आप फिर आपका जो चैनल आएगा वो तीसरी स्टेप पकड़ लेगा, ठीक है। तीसरी स्टेप जो है अपने आप यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी।